हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूं कि बिना भीम एप्लीकेशन के यूज़ किए हुए आप लोग अपने आधार कार्ड से पेटीएम में यूपीआई पिन कैसे बना सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आप लोग अपने आधार कार्ड से अगर आप लोगों ने पेटीएम में यूपीआई पिन को बना देते या सेट कर देते तो वहाँ पर आप लोगों को साथ में भीम एप्लीकेशन का भी यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अब आप लोगों को भीम एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑफिशियली आप लोगों को जो है पेटीएम में दे दिया गया है, जहाँ पर आप लोग सिर्फ अपने आधार कार्ड के नंबर डाल के आप लोग अपना पेटीएम में किसी बैंक का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पहले जो है पेटीएम में अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करके उसकी डिटेल डाल के आप लोग अपना जो भी है पिन वगैरह सेट कर पा देते, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे दिया गया था जहाँ पे आप लोग भीम एप्लीकेशन का यूज़ करके आधार कार्ड से यूपीआई बना सकते थे। लेकिन अब आप लोग को भीम एप्लीकेशन को जो है बिल्कुल अवॉइड करना है, आप लोग को भीम एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है। आप लोग बिना भीम एप्लीकेशन का यूज़ करके पेटीएम में सिर्फ अपने आधार कार्ड की डिटेल डाल के आप लोग अपने किसी बैंक का यूपीआई पिन बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट से बता देता हूँ कि पेटीएम में किसी भी बैंक का आधार कार्ड से आप लोग यूपी पिन कैसे बना सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को जो है लोगो मिल रहा है, यहाँ पे लोगो पे आप लोग क्लिक कीजिए। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे यूपीआई आईडी एंड बैंक अकाउंट सेटिंग पे आप लोग क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, ऐड अनदर बैंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा जो यहाँ पे बैंक है, मैं यहाँ पे जो एनुसलैंड बैंक है यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और आप लोग जो देख सकते हैं और यहाँ पे तो मैं बैंक यहाँ पे सर्च करूँगा तो इंडोजलैंड बैंक जो मैं सिलेक्ट करूँगा और ये हमारा जो बैंक है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बैंक ऐड होने के बाद ये देख सकते हैं बैंक आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है, यहीं पे आप लोग को मिल जाएगा सेट यूपीआई पिन। और अगर आप लोग रीसेट करना चाहते हैं तो चेंज पिन पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है चेंज पिन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं आप लोगों को इस तरीके से डिटेल मिल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं चेंज पिन पे क्लिक करूँगा और आप लोग देख सकते हैं यूज़ डेबिट कार्ड और यूज़ आधार कार्ड, तो ये देख सकते हैं ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप लोग को यूज़ आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, अपने पेटीएम अकाउंट को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। पेटीएम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लीजिए तो आप लोग को यूज़ आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले क्या था, इसमें आप लोग को आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब आप लोग को आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो पहले यहाँ पे मैं यूज़ डेबिट कार्ड सेलेक्ट है तो मैं यहाँ पे यूज़ आधार कार्ड को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको टिक कीजिए और प्रोसेस के बटन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एंटर फर्स्ट सिक्स डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो आपका जो आधार कार्ड है, तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए, जो आपका आधार कार्ड है उसके शुरू के जो सिक्स डिजिट हैं वो आप लोग डालिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2023 जो 06, आप लोग के जो भी आधार कार्ड में है वो आप लोग डाल दीजिए और इसके बाद ओके कीजिए। और इसके बाद देख सकते हैं जनरेटेड आधार ओटीपी, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एंटर सिक्स डिजिट ओटीपी, यहाँ पे हमारे जो नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास कोई ओटीपी यहाँ पे आई है या नहीं आई है। आप लोग के फ़ोन में सिम कार्ड पड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली हो सकता है फिल हो जाए, अगर नहीं होता है तो आप लोगों को जो है मैनुअल डालना है, ठीक है। तो अभी ये आ चुका है मेरे पास, ये देख सकते हैं, और मेरे पास वहाँ पे फिल भी हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार, अभी नहीं हुआ है फिल, मैं यहाँ पे मैनुअल डाल देता हूँ, ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी ये बैंक की भी ओटीपी आ चुकी है, तो बैंक की ओटीपी यहाँ पे ये एंटर सिक्स डिजिट आधार ओटीपी, सबसे पहले आधार की ओटीपी है 7652, तो यह मैं डाल दूँगा 7652 और राइट कर दूँगा। अब जो बैंक की ओटीपी, आप लोग के बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसकी ओटीपी आएगी, तो मेरे पास बैंक जो इंडोसलैंड बैंक है उसकी ओटीपी आई है 43 24 46, मैं डाल देता हूँ 43 24 46 और इसके बाद कर दीजिए राइट। अब आप लोग को सिक्स डिजिट का जो यूपी पिन है वो सेट करना है, आप लोग के में हो सकता है 4 अंकों का है या 6 अंकों का है, सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब आप लोग जो यूपी ऊपर डालेंगे वो राइट कर दीजिए, आप लोग वही आप लोग फिर से दोबारा डालेंगे सेम, और यूपीआई में कोई गड़बड़ी मत करना, और इसके बाद कर दीजिए राइट और आप लोग का जो यूपीआई है वो सेट हो जाएगा।
और इसके बाद आपका जो यूपीआई है वो सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मैं चेक बैलेंस करके दिखाता हूँ। चेक बैलेंस पे मैं क्लिक करूँगा, अब मैं अपना यूपी पिन डालूँगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चेक बैलेंस पे मैं क्लिक करूँगा, हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो हमारा बैलेंस जो है यहाँ पे चेक होके आ चुका है 16 रुपये 92 पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये जो यूपीआई आपने सेट किया है या बनाया है या रीसेट किया है तो इसी यूपीआई के थ्रू आप लोग किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने पेटीएम में सिर्फ आधार कार्ड से बिना भीम एप्लीकेशन का यूज़ किया हुआ आप लोग यूपीआई पिन बना सकते, रीसेट कर सकते, सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग अपने आधार कार्ड से पेटीएम में यूपीआई पिन बनाने में सेट करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइज अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।